हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम बनाएंगे सूजी मंडा पीठा। ये एक ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक उड़िया डेलिकेसी है जो उड़ीसा में राजा फेस्टिवल पर बनाया जाता है। मैं चाहूँगी आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही सरल और स्वादिष्ट सूजी मंडा पीठा। सबसे पहले पैन में 1 टेबलस्पून घी डालकर मध्यम आंच पर गरम कर लेंगे घी को। जैसे ही घी गरम हो जाएगा इसमें हम 1 कप फ्रेश कसा हुआ नारियल डालकर हल्का सुनहरी होने तक भून लेना है। अगर फ्रेश नारियल उपलब्ध नहीं है तो आप कसा हुआ सूखा नारियल को भी भून सकते हो। तो देखिए ये हल्का सुनहरी सा होने लगा है। इसमें हम 1/4 कप गुड़ डाल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। हमें यहाँ पे आंच को अब धीमा कर लेना है और 1/4 कप पानी डालेंगे। आधा टीस्पून इलायची पाउडर, साथ ही साथ मिक्स ड्राई फ्रूट लिया है हमने जिसमें 8 काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश है। साथ ही साथ इसमें आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर मिला लेंगे। आप चाहो तो काली मिर्च की मात्रा थोड़ा कम भी कर सकते हो, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी स्वादिष्ट आता है। हमें यहाँ पे सेमी थिक कंसिस्टेंसी में फिलिंग को तैयार करना है। पानी को पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है, नहीं तो बाद में ये हार्ड सा हो जाएगा यानी कि कड़क सा हो जाएगा। तो देखिए ये तैयार हो चुका है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने रख देंगे। जब तक फिलिंग ठंडी होती है हम आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं। हम यहाँ पे कढ़ाई में 2 कप पानी डालेंगे। इसमें 1/2 कप शक्कर और चुटकी भर नमक डालेंगे, साथ ही साथ 1 टेबलस्पून गाय का घी, 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब आंच को हमें मध्यम पर रखना है और शक्कर घुलने तक हमें इंतजार करना होगा। तो देखिए शक्कर घुल चुकी है। तो आंच को अब हम धीमा करके 1 कप बारीक सूजी यानी कि रवा डालकर निरंतर चलाते रहना है एक ही दिशा में यानी कि एक ही डायरेक्शन में, जब तक ये डो के समान ना हो जाए। देखिए ये डो तैयार हो चुका है। ये बहुत सख्त नहीं है, ये मीडियम डो है। तो देखिए ये उंगलियों पर नहीं चिपक रहा है यानी कि ये तैयार हो चुका है पूरी तरीके से। तो आंच को हम बंद कर देंगे और सूजी के डो को हम कटोरे में ट्रांसफर कर लेंगे। जैसे कि ये बहुत गर्म सा है, अगर आप इसे नहीं मैनेज कर पाओगे गर्मा गर्म तो बस थोड़ा सा वार्म होने तक का इंतजार कर लें। अब हाथों में 1/2 टीस्पून घी ले लेंगे और इस तरह से हम डो के ऊपर फैला देंगे और इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। इसे करीबन 1 से 1.25 मिनट का वक्त लगेगा गूंदने में। तो देखिए ये डो तैयार हो चुका है। इसे हम चीज क्लॉथ या रुमाल या नैपकिन से ढक के रख देंगे ताकि ये सूखे नहीं, वार्म सा रहे। तो यहाँ पे सूजी का डो और फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम मध्यम आकार की लोई ले लेंगे और गोल आकार दे देंगे और इस तरह से हम इसे चपटा कर लेंगे और कटोरी नुमा आकार दे देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच फिलिंग डालकर बंद कर लेंगे और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इस तरह से करेंगे ताकि ये चिकना सा बन जाए। इसमें दरारें नहीं होनी चाहिए और अगर आपको दरारें दिख जाए तो इस तरह से इसे बंद कर लें।
और हल्के हाथों से इसे चपटा कर लेंगे एक टिकिया के आकार में। तो देखिए एक मंडा पीठा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही सरल है। तो हमने यहाँ पे 1 कप सूजी यानी कि रवा से 10 मंडा पीठा तैयार कर लिए हैं। इसे अब हम तल लेंगे। कढ़ाई में हम घी गरम कर लेंगे। हमें यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना ही नहीं है, हमें इसे प्योरली घी में ही बनाना है। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। हमने यहाँ पे आंच को मध्यम रखा है और जैसे ही घी गरम हो जाएगा हम एक एक करके मंडा पीठा डाल देंगे। इसे लाइट ब्राउन होने तक दोनों तरफ से तल लेना है। तो देखिए दोनों तरफ से ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा गहरा यानी कि डार्क ब्राउन होने तक भी तल सकते हो। अब इसे हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के भी मंडा पीठा को तल लेंगे घी में। तो देखिए हमने सारे के सारे तल लिए हैं। तो हम इसे तोड़ कर देख लेते हैं ये किस तरह से है। इसके ऊपर की जो लेयर है ये क्रिस्पी सी है और अंदर की लेयर सॉफ्ट है, और इसका जो गुड़ का जो फिलिंग है वो बहुत ही स्वादिष्ट और जूसी है, और घी के फ्लेवर से इस रेसिपी को रिचनेस मिलती है। तो मैं उम्मीद से कह सकती हूँ आपको ये उड़ीसा की डेलिकेसी पसंद आई होगी। एक बार आप जरूर बनाइएगा।